टॉपिक हमारा क्या है, आज का एक टॉपिक है आपका, ये टॉपिक क्या है आपका, साइज रिडक्शन। तो साइज रिडक्शन के बारे में देखते हैं क्या होता है और इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। कहने का मतलब मेरा ये है कि साइज जब रिड्यूस होता है किसी भी लार्ज पार्टिकल का, तो उस टाइम कुछ प्रिंसिपल वर्क करते हैं। उन प्रिंसिपलों को हम जानते हैं आज, क्या उनका प्रिंसिपल है, मतलब क्या मैकेनिज्म है। जैसे आपके जो प्रिंसिपल है उनको देखेंगे, उनके नाम देखेंगे आज, ठीक है। उस पार्टिकल के साइज को रिड्यूस करते हैं। तो साइज रिडक्शन का मतलब क्या है कि जब कोई अपने पास बड़ी पार्टिकल, मतलब ये चौक हमारी है बड़ी, अगर इसका हम साइज रिड्यूस करेंगे, मतलब उसको तोड़ देंगे ऐसे करके हम, तो इसको क्या बोल देंगे हम, साइज रिडक्शन। मतलब इसका साइज कैसा हो गया, रिड्यूस हो गया। अभी क्या थी, लार्ज अमाउंट में थी, मतलब बड़ी थी, साइज इसका बड़ा था। जब हम इसको तोड़ेंगे, इसका मतलब रिड्यूस कर दिया इसको हमने, तो उसी के कुछ प्रिंसिपल होते हैं, उसको देखते हैं। साइज रिडक्शन के चार प्रकार के प्रिंसिपल हैं, चारों के नाम देखते हैं हम कौन कौन से हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल होता है आपका इंपैक्शन, इंपैक्शन। दूसरा प्रिंसिपल होता है आपका अट्रीशन, अट्रीशन। तीसरा प्रिंसिपल होता है आपका कंप्रेशन, और चौथा प्रिंसिपल होता है आपका कटिंग। ये चार प्रकार के बेसिक प्रिंसिपल हैं जो आपके साइज को रिड्यूस करने के काम में आते हैं। कौन कौन से हैं, पहला प्रिंसिपल है आपका इंपेक्शन, दूसरा कौन सा है अट्रीशन, तीसरा क्या है कंप्रेशन, और चौथा क्या है कटिंग। अब इसका मतलब क्या है इंपेक्शन का, इंपेक्शन का मतलब होता है तोड़ना। क्या मतलब होता है तोड़ना, इट मीन्स कि इसमें एक मशीन होगी जिसमें हैमर लगे होंगे, और वो हैमर क्या करेंगे आपके किसी भी पार्टिकल को तोड़ रहे होंगे, उसके कारण क्या होगा वहाँ इंपेक्शन फोर्स जनरेट होगा। अट्रीशन में क्या होगा कि जब अट्रीशन कब लगता है, अट्रीशन का मतलब होता है घर्षण लगना। घर्षण का मतलब क्या होता है कि जब दो चीज़ आपस में पास पास आए और उनके बीच में कोई चीज़ टकराए, तो वहाँ लगता है अट्रीशन। तीसरा क्या है आपका कंप्रेशन, कंप्रेशन का मतलब होता है कि कोई चीज़ किसी के अंडर कंप्रेशन में आ रही हो, उस पर दबाव लगाया जा रहा हो, इसका मतलब क्या होता है दबाव लगाना। यहाँ पर हम दबाव लगाएंगे तो क्या होगा, वो चीज़ टूटेगी, मतलब इसका साइज रिडक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कटिंग, कटिंग में क्या होता है, नाइफ होते हैं, ब्लेड्स होते हैं, और उन ब्लेड्स के आधार पर क्या करते हैं, किसी भी बड़े पार्टिकल साइज को, मतलब बड़े अमाउंट के रॉ मटेरियल को हम स्मॉल अमाउंट में कन्वर्ट करते हैं या उसका साइज को रिड्यूस करते हैं, उसको बोलते हैं कटिंग। इसका मतलब होता है काटना। अब हम थोड़ा एक डेमो करके देखते हैं, समझ के देखते हैं कि हमारे प्रिंसिपल क्या क्या हैं और इसमें क्या होता है। जैसे आपके इंपेक्शन है, तो इंपेक्शन पर कौन सी मशीन वर्क करती है, आपकी हैमर मिल, जो एग्जाम में ज़्यादातर आती है, हैमर मिल। जिनके पीछे मिल लगाओ उसका मतलब होता है चक्की, किसी भी चीज़ को तोड़ने वाली, ठीक है। अब इस पर काम करती है, देखो बॉल मिल क्या करती है आपकी, बॉल मिल के अंदर क्या होता है, बॉल्स होती हैं, और ये दोनों प्रिंसिपल वर्क करती है, मतलब इसके अंदर इंपेक्शन भी लगेगा और अट्रीशन भी लगेगा, इस पर ये दोनों प्रिंसिपल वर्क करेगी। ठीक उसी प्रकार क्या करती है, जो फ्लूड एनर्जी मिल होती है हमारी, फ्लूड एनर्जी मिल, ये भी हमारी इन दोनों प्रिंसिपल वर्क करती है, इंपेक्शन पे और अट्रीशन पे। अब आती है हमारी एंड रनर मिल, एज रनर मिल, तो ये क्या करती है, आपकी जो शेयरिंग फोर्स होता है, कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन के दबाव पर वर्क करती है, कंप्रेशन के प्रिंसिपल पर काम करती है, एंड रनर मिल और रनर मिल। अब हम इसका डेमो देखते हैं, तो मैकेनिज्म को देखने के लिए आते हैं हम अपने अनदर साइड पे। अब मैं आपको एक छोटा सा डेमो करके दिखा रहा हूँ किसी भी पार्टिकल साइज को रिड्यूस करने का। जैसे अपने पास ये चौक है, ये चौक है, तो इस टाइम इसका क्या है, साइज बड़ा है। अब हम क्या कर रहे हैं, साइज रिडक्शन कर रहे हैं, इट मीन्स साइज को छोटा कर रहे हैं। तो पहला प्रिंसिपल हमारा क्या था, इंपेक्शन। इंपेक्शन का मतलब क्या था कि कोई चीज़ हैमर के द्वारा क्या करेगी, इंपैक्ट होगी, और इंपैक्ट के कारण क्या होगा, वो जो लार्ज पार्टिकल था वो क्या होगा, स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट होगा। तो देखना है इसमें गौर से, मान लीजिए ये हैमर है हमारा, वैसे डस्टर है, इसको हम अगर ऐसे करेंगे, देखो इम्पैक्ट किया मैंने इस पर ऐसे करके किया, इट मीन्स क्या हुआ, देखो छोटा हो गया, अभी पार्टिकल कैसे थे, बड़े बड़े थे, अब पार्टिकल क्या हो गया, इसके पार्टिकल रिड्यूस हो गए, मतलब जो पार्टिकल हमारे बड़े बड़े थे रिड्यूस हो गए, छोटे छोटे साइज में कन्वर्ट हो गए। किसके द्वारा हुआ, पहले प्रिंसिपल के द्वारा हुआ, जिसमें क्या लगा था हमारा, इंपेक्शन का सिद्धांत काम कर रहा था। अब दूसरा प्रिंसिपल हमारा क्या कर रहा था, दूसरा प्रिंसिपल था हमारा अट्रीशन का, और अट्रीशन का मतलब क्या था, अट्रीशन का मतलब था कि कोई दो चीज़ आपस में आ रही थी, मतलब आपस में रगड़ रही थी, और उनके रगड़ने से क्या हो रहा था, उनका पार्टिकल साइज कम हो रहा था। तो देखो अब जैसे दो चीज़ हैं, सपोज दैट कि दो थिंग्स हैं, जैसे बॉल मिल के अंदर क्या होता है, अट्रीशन भी लगता है, इंपेक्शन भी लगता है। जब दोनों बॉल आपस में रगड़ती हैं, और उनके बीच में जो ड्रग होती है या जो रॉ मटेरियल फॉर्म होता है वो उसके बीच में आता है, तो क्या होता है, पार्टिकल का साइज रिड्यूस होता है। वहाँ पर क्या वर्क करता है, देखो अट्रीशन, जैसे दो चीज़ में घिस रहा हूँ, तो अब देखना गौर से, फोकस करना, ये इन दोनों के घिसने से क्या होगा, नीचे की साइज़ क्या हो रहा है, इसका साइज रिड्यूस हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पे क्या लग रहा है, फोर्स आपका अट्रीशन, घर्षण लग रहा है इन दोनों के बीच में, एक इस चौक एक इस चौक। ऐसे ही अगर इसके बीच में मैं तीसरी कुछ ही रख दूँ, तो क्या होगा, वहाँ पे भी अट्रीशन फोर्स जनरेट होगा।
इट मीन्स जैसे ही वो चीज़ आपकी अट्रीट होगी, इसका मतलब क्या है, उसका पार्टिकल साइज भी कम होगा। तीसरा क्या है आपका, कंप्रेशन। कंप्रेशन में क्या होता है कि कोई भी कंप्रेसर होता है और उस कंप्रेशर के अकॉर्डिंग क्या होता है, जनरली इसमें हम क्या लेते हैं, जो हमारे रोलर मिल होते हैं, रोलर मिल में ही सिद्धांत काम करता है। जो रोलर होते हैं हमारे, रोलर क्या होता है, उसका वजन होता है, वजन के कारण क्या होता है, जो ड्रग हमारी हैवी होती है, मतलब जिसका पार्टिकल साइज बड़ा होता है, और उस रोलर पे वो नीचे आने के कारण क्या होता है, उसका साइज कम हो जाता है। जैसे कि कंप्रेशन का एग्जांपल करके देखते हैं, जैसे मान लीजिए रोलर है, अब ये रोलर इसका घूमेगा इसके नीचे ऐसे करके रोलर घूमेगा, जब ऐसे करके गोल गोल घूमेगा तो क्या होगा, रोलर पे कंप्रेस हुआ, मतलब जो ड्रग थी वो कंप्रेस हुई, और कंप्रेस होने के बाद क्या हुआ, उसका पार्टिकल साइज कम हो गया। वैसे बेस्टेज नहीं करना चाह रहा था मैं चौकी, मगर आपको कुछ समझाना है तो करना पड़ेगा, इसके लिए सॉरी। अब लास्ट टॉपिक रहता है हमारा कटिंग। तो कटिंग में हम क्या करते हैं, जो हमारे जैसे प्लांट हैं, जो फाइबरस मटेरियल है, जिसको हम कंप्रेशन के थ्रू नहीं कर सकते, जिसको हम इंपेक्शन के थ्रू नहीं कर सकते, जिसको हम अट्रीशन के थ्रू नहीं कर सकते, तो उन सारे प्लांट फाइबरों को अगर हमें रिड्यूस करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कटर मिल या ब्लेड, जिसमें जिन मशीनों के अंदर ब्लेड लगे होते हैं उनके थ्रू हम क्या करते हैं, उनका पार्टिकल साइज कम कर लेते हैं। मतलब उसमें हम क्या करें, कटर से उसको कट करते जाएंगे और वो चीज़ क्या होगी, आपकी टूट जाएगी। जैसे ये कट कर दिया ऐसे करके, वो कटर करके उसको काटता रहेगा। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था आपका साइज रिडक्शन का, और इसमें हमने चार प्रिंसिपल देखे, कौन कौन से थे वो हमारे, इंपेक्शन, अट्रीशन, देखो इंपेक्शन, अट्रीशन, कंप्रेशन और कटिंग। इंपेक्शन का मतलब क्या था, किसी चीज़ का दबाव पड़ रहा था। अट्रीशन का मतलब क्या था, दो चीज़ आपस में रगड़ रही थी, घर्षण हो रहा था। तीसरा क्या था, कंप्रेशन। कंप्रेशन में क्या था, वो चीज़ कंप्रेस हो रही थी, मतलब वो जो पार्टिकल साइज इसका हमें कम करना था वो चीज़ उसके नीचे आ रही थी, किसी रोलर के नीचे हो सकता है, किसी कंप्रेसिंग मशीन के नीचे हो सकता है, ठीक है। कटिंग में क्या था कि जो मटेरियल आपके इनके थ्रू नहीं कंप्रेस हो पा रहे थे, मतलब इनके थ्रू नहीं हो पा रहे थे रिड्यूस, उनको हम कटिंग के थ्रू कर रहे थे। तो इसका मतलब मैं समझ उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। साइज रिडक्शन का मतलब क्या था, आकार में कमी लाना। और ये टॉपिक आपका डी फार्मा फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिक्स के अंदर है और बी फार्म फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर के अंदर है। तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।